Hello, beautiful people. Welcome to Motivation by Vishal Modi. And आज मैं आपको बताने वाला हूँ amazing जादुई थेरेपी के बारे में. So, I was always curious about how the energy flows in our mind, in our body. Why do we do what we do, and why do we do what we don't want to do? Why we are unhappy? Why the more we have, the less we are fulfilled? So क्या है, क्या होता है, क्यों हम खुश नहीं रह पाते, क्यों हमारे पास सब कुछ होते हुए भी there is a feeling of dissatisfaction and unfulfillment? And just to get all these answers, I started digging deep. बहुत कुछ पढ़ा मैं अपने जवाब ढूंढने के लिए, और टू फाइंड द रियल ट्रूथ, टू सीक द ट्रूथ. आई रेड लॉट अबाउट साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी. आई रेड अबाउट साइकोलॉजिस्ट. आई रेड अबाउट बुद्धा, हिज प्रीचिंग्स. वेंट टू विपस्सना. 10 days का विपस्सना का कोर्स किया मैंने. ऑल्सो वेंट टू आवर इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन माइथोलॉजी. Read about Bhagavad Gita, the preachings of Bhagavad Gita. Law of Attraction padha. Controversial Guru Osho Rajneesh, unke bare mein kafi kuch padha main. So I started digging deep. And yahi mere khoj mein mujhe ek amazing therapy mili hai. Healing therapy kehte hain isko, aur ye Hawaiian healing therapy hai. Iska naam bhi kafi atpata sa aur ajeeb hai. Naam hai Ho ओपोनोपोनो. यस, और ये काफी अनयूजुअल सी हीलिंग थेरेपी है, हवाईयन हीलिंग थेरेपी है. एंड देयर इज अ स्टोरी विच बैक्स द फंडामेंटल ऑफ द थियरी एंड हाउ दिस थेरेपी वर्क्स. सो इन द पास्ट टाइम इन हिस्ट्री देयर वाज अ थेरेपिस्ट हु क्योर द एंटायर वार्ड ऑफ मेंटली इल क्रिमिनल्स विदाउट सीइंग देम. यस, बिना देखे एक मेंटली इल क्रिमिनल्स के पूरे वार्ड को एक थेरेपिस्ट ने ठीक किया था. ये क्रिमिनल्स पागल थे, दे वर इनसेन. उनको सिक्कर से बांध के रखा जाता था, उनको दवाइयां दी जाती थी, दे वर सेडेटेड सो दैट वो ज्यादा वायलेंट ना हो जाए. दे वर मर्डरर्स एंड रेपर्स, दे वर वेरी वायलेंट. एंड सो डॉक्टर्स वर ऑल्सो अफ्रेड उनके पास जाने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए. And then this therapist, he got to know about it and he came to rescue. ये जानने के बाद मेरी जिज्ञासा कुछ और बढ़ गई कि क्या उसका मेथड था, ये स्टोरी सच्चाई में है या सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है. कुछ अलग था, कुछ ब्रेक थ्रू था जब मैं जाना ये, मैंने इसको जाना. और सो आई स्टार्टेड सर्चिंग मोर. इस थेरेपिस्ट ने कहा कि ये इनको एक ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड से हील करेगा, इन क्रिमिनल्स को, पागल क्रिमिनल्स को. एंड ही इज गोइंग टू यूज दिस टेक्निक कॉल्ड हो ओपोनोपोनो. एंड इसने शुरू किया थेरेपी एंड द क्रिमिनल्स, द पेशेंट्स, दे स्टार्टेड हीलिंग, दे स्टार्टेड गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड. सो व्हाट इज दिस थेरेपी ऑल अबाउट is that there are 4 phrases and they are very simple phrases which you just need to repeat. You need to say this inside you. आप खुद को बोलिए ये 4 phrases, या तो फिर यूनिवर्स को बोलिए, अपने भगवान को बोलिए, उस सुपर पावर को बोलिए जिसको आप मानते हैं. और ये 4 जादुई phrases हैं. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Yes, these are the 4 phrases that you need to repeat again and again to heal yourself as well. Now, I've done a lot of research on this just to know whether what is the fact behind it. And I've got to know there are hundreds and thousands of people who have money problems, relationship problems, health issues, business issues. And they have come out of it.
Now the fundamentals of this is, you take the responsibility of things around you. आप जवाबदारी ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो भी मेरे इर्द गिर्द मेरे आसपास हो रहा है उसका कारण सिर्फ मैं ही हूं। अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका रिश्ता आपके हस्बैंड के साथ या आपके वाइफ के साथ या आपके सिस्टर के साथ आपके फादर के साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज के जिम्मेदार हैं। थेरेपिस्ट कहता है कि अगर आपने देखा हो कि जहां पे भी प्रॉब्लम है आपके साथ, आपको जो जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उसमें प्रॉब्लम में आप तो मौजूद हैं ही, सो यू हैव बीन अ कॉमन पार्ट ऑफ ऑल द थिंग, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रॉब्लम नोइंगली और अननोइंगली, राइट। और अगर आपका रिश्ता आपकी बहन से या आपके बेटे से सही नहीं है, सो प्रॉब्लम आपके बेटे में नहीं है, प्रॉब्लम आपके नजरिए में है, जिस नजरिए से आप उस रिश्ते को देखते हैं परखते हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट द सन, द प्रॉब्लम इज नॉट द फादर, बट द परसेप्शन ऑफ योर फादर इन योर माइंड। लग रहा है, फील हो रहा है आपको, कुछ समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सो ट्रिगर जो है ना, पेन का जो ट्रिगर है वो आपके बेटे में नहीं है, ट्रिगर आपके अंदर है, आपकी सोच में है, जिससे आपको पेन हो रहा है, वो दुख आ रहा है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता मेरे दोस्त एक ही है, आप अपने बिलीफ को चेंज कीजिए, आप अपने नजरिए को चेंज कीजिए, अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए। और इसी पूरे मेथड का नाम है होपोनोपोनो। अगर आप अपने परसेप्शन को क्लीन कर देते हैं तो आपके इर्द गिर्द सारी चीजें, सब कुछ सही होने लगती है। सो यू नीड टू मेक करेक्शंस विथ योर सेल्फ फर्स्ट, वी नीड टू मेक करेक्शन विथ आवर सेल्फ फर्स्ट बिफोर वी लुक आउटसाइड। आप सारी चीजों को सुधार नहीं सकते, आप अपने बेटे को नहीं सुधार सकते, अपने वाइफ को नहीं सुधार सकते, आप उस बॉस को नहीं सुधार सकते, अगर आप खुद को नहीं सुधार सकते तो कहां तक सुधारते चलेंगे आप लोगों को, कहां तक चेंज करते रहेंगे? सो जो चेंज करने का बटन है वो आपके अंदर है, आपके पास है, और अगर कुछ बदलाव होना चाहिए तो वो आप में होना चाहिए, आपके नजरिए में होना चाहिए। और इसी सोच को सारे जितने भी फिलोसोफिस्ट हैं, मेड बी बुद्धा, मेड बी एनी माइथोलॉजिकल बुक, रिलीजियस बुक, दे से दैट इफ यू वॉन्ट टू विन, देन विन योर सेल्फ, विन योर ओन सेंसेस, rather than going, changing, making corrections, complaining to the outer world. So, करना क्या है? In short, बहुत ही आसान है। ये चार जादुई मंत्रास हैं जो मैंने आपको अभी दिए, जो बहुत ही बड़ा बदलाव लाएंगे आप में। इसको बस आपको बोलते रहना है अपने आप, maybe सुबह उठ के या सोने से पहले, और देखिए फिर आपकी लाइफ में भी किस तरह चेंज आता है। So, let's start this बदलाव, let's start this transformation with ourselves, and let's chant this mantra 5 times with me. So is everyone ready? शांत बैठे हैं आप एक जगह पे, मेरे साथ आपको रिपीट करना है 5 times. I love you, I am sorry, please forgive me, thank you. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. दोस्तों, अगर आप ये समझेंगे 4 mantras को, कुछ नहीं है, बस आप, you are telling the universe, you are telling the God that you love. You love everything that He has given. Second mantra में आप बोल रहे हैं I'm sorry. आप माफी मांग रहे हैं आपकी गलतियों के लिए. You are feeling apologetic. आप समझ रहे हैं कि जो लड़ाई हुई थी आपकी, जो बहस की थी आपने अपने उस दोस्त के साथ,
उसके लिए आप महसूस कर रहे हैं कि आप गलत थे, कहीं ना कहीं तो आप गलत थे। प्लीज फॉरगिव मी, यू आर आस्किंग फॉर अपोलॉजी, यू आर आस्किंग कि येस आई हैव डन रॉन्ग एंड प्लीज गिव मी द फॉरगिवनेस। यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट गिल्ट दैट यू हैव डन रॉन्ग। और लास्ट में आप शुक्रिया भी बोल रहे हैं उस सुपर पावर को कि जो भी मिला आपको, जितनी भी अच्छाइयां हुई आपके पास, उसके लिए यू आर सेइंग थैंक यू टू द यूनिवर्स, टू द गॉड। यू आर फीलिंग ग्रेटिट्यूड, यू आर अप्रिशिएटिंग वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, बिकॉज ऑफकोर्स आप अपने आस पास देखेंगे देन देर आर लॉट मैनी ऑफ पीपल अंडर प्रिवलेज देन एंड स्टिल दे आर मोर हैप्पी देन वॉट यू हैव। सो इसी 4 मंत्रास को चेंट करना है, रेगुलर चेंट करना है, एंड देन यू विल सी हाउ योर लाइफ ऑल्सो गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। थैंक यू।